इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है। इधर पहुंची बारात, उधर दबंगों ने पहले से ही घात लगाए दुल्हा और दुल्हन को बेरहमी से जम कर दिया। जहां दुल्हा और दुल्हन को आई है गंभीर चोटें, इधर हो रही थी अगवानी की तैयारी, उधर बारात में छिड़ गया मैदान है जंग। दबंगों ने दुल्हे के गले की चेन और 25,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। मामला रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के बसीगवा गांव का है। इस वक्त की बड़ी खबर भारत टीवी पर आप देख रहे हैं, यूपी के रायबरेली से खबर है, जहां दबंगों ने दुल्हा और दुल्हन को घात लगाकर बेरहमी से पीटा, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। अगवानी की तैयारी हो रही थी उधर और बारात में छिड़ गया मैदान है जंग। दबंगों ने दुल्हे के गले से चेन और 25,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के बसीगवा गांव का ये मामला है, जहां दबंगों ने घात लगाकर दुल्हा और दुल्हन की जमकर पिटाई कर दी। हम लड़का के बाप। ये घटना कैसे घटी? साहब हम तो यहाँ से बाहर निकले तो वहाँ मारपीट चालू। कहाँ पे आए? यहाँ बसगवा। क्या करने आए थे यहाँ पे? हम बर्फ लेके आए थे साहब, लड़का शादी कर रहा था। फिर क्या हुआ? यहाँ मारपीट चालू थी, हम जैसे यहाँ से निकले तो वहाँ मारपीट चालू। किस बात को लेके विवाद हुआ? विवाद तो साहब हम नहीं जानते, बाकी वहाँ जब मारपीट होने लगी तो दुल्हा को मारने लगे। जब अगवानी होने की तैयारी हो रही थी, दुल्हा को मारने लगे, दुल्हा की चैन खींच लिए और 30,000 रुपया था वो निकाल लिए। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? हमारे सर, यहाँ सर में लगी है, यहाँ पीछे, यहाँ ऊपर को निकाल लिए। आपने पुलिस को फोन किया था? हाँ, फोन नंबर आई थी साहब। कितने बजे घटना है? लगभग 12 बजे की। कल दिनांक 6 जुलाई 2022 को गुरुबख्शगंज थाना के अंतर्गत ग्राम बसगांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने को लेकर के आपस में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के अनुसार संगत धाराओं में 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।